हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ NCERT बायोलॉजी class-9 का chapter-5 का part 2। part 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने chapter-5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आधा पार्ट हमने कवर किया था, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, कोशिका कैसे बनता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, और राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिका के आगे जो कोशिका अंगक होती हैं उसमें और जो अन्य पार्ट होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऊपर का आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ये वही है जो पीछे हमने कवर कर लिया था। आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत ही कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन के आता है कि कोशिका झिल्ली किसमें नहीं होती है, तो आपका आंसर होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। दोस्तों, एक क्रोमेटिन पदार्थ ही होता है बैक्टीरिया में जो उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि और अन्य तो इसमें कोशिका के अंगक होते ही नहीं है जो इसको विकसित करेंगे। आगे देखिए, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। हम आगे देखेंगे केंद्रकाय। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। दोस्तों, ये देखिए टर्म टर्म है प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब होता है केंद्रक के पहले की स्थिति। ऐसे जीवों में जिनमें प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये केंद्रक से पहले के होते हैं, ये पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। आगे देखिए, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित, उसके अंदर केंद्रक के अलावा भी बहुत सारे अंग होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पे जीव जंतु या पौधे का जो कोशिका होता है वो यूकैरियोटिक होता है, और जो बैक्टीरिया का होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक होते नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे देखते हैं, ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य में असंगठित भागों के द्वारा ही होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट आया आपका कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो ये झिल्लीदार पुटिका जो थैले की संरचना होता है उसके साथ लगा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में पाया जाता है। दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ऐसे नहीं बोलता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, वो सीधा बोल देगा कोशिकाओं में, पर अगर प्रोकैरियोटिक होगा तो जीवाणु बोलेगा, लेकिन अगर वो जीवाणु नहीं यूकैरियोटिक की बात कर रहा है तो वो सीधा ही बोल देगा कि कोशिका में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? प्लास्टिड में। आप इसे याद रखिएगा कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड में। ये देख लीजिए दोस्तों एक बार, ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सिर्फ उसमें कोशिकाएं होता है, राइबोसोम जो जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति, और कुछ भी नहीं होता है। आगे देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य। दोस्तों, जो ये कोशिका द्रव्य के नीचे जो भी है आप इसे पॉज करके पढ़िएगा, मैं आपको इसके बारे में एक बार समझा देता हूँ तो आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली कोशिका द्रव्य क्या होता है? किसी भी कोशिका में केंद्रक के चारों ओर तरल पदार्थ होता है जिसमें कि कार्बनिक घटक होते हैं जो और कोशिका के अंग होते हैं, जिसकी बाहरी परत झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो जैली की, जैसे जैल के तरह का होता है, तो वो कोशिका झिल्ली होती है, और उसके बीच में जो द्रव्य होता है इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के लिए प्रत्येक अंगक, माफ कीजिएगा, प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। ऑप्शन में दिया होगा प्रोटीन प्लस प्लाज्मा, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, तो आपका आंसर होता है कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें जीव द्रव्य मिलता है, यानी कि कोशिका द्रव्य कीटोप्लाज्म, केंद्रक न्यूक्लियस, और दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर में मिलेगा जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। आगे देखते हैं दोस्तों, झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है,
और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर लेता है। दोस्तों देखिए, कोशिका जब बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, अपना विभाजन करती है, विभाजन करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर करके वो ज़्यादा होती जाती है। तो जो यू के प्रोकैरियोटिक होता है, जैसे वायरस है, इसमें अपना झिल्ली नहीं होता है, कोशिका झिल्ली। तो इससे होता क्या है, देखिए जब तक कोशिका झिल्ली नहीं होगी वो अपना जो अपने अपना गुणनखंड या अपने आप को विभाजित नहीं कर पाएगा, वो पूर्ण रूप से अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए वायरस को किसी सजीव के ऊपर निर्भर रहना होता है, इसीलिए वायरस को विविध पोषी भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस दिखाया गया है। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, केंद्रीय क्षेत्र में काफ़ी कमी होती है, केंद्रीय क्षेत्र बड़ा होता है और केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है। इसमें क्रोमोसोम सिर्फ एक मिलता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, उसमें और भी कई अंग उपस्थित होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। कोशिका झिल्ली बाह्य पर्यावरण से बचाती है अंदर के द्रव्य पदार्थ और अन्य अंगक को, ये हमने पढ़ा है। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएँ भी शामिल होती है, कि उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इस विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती है। एक यूकैरियोटिक कोशिका का यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक गुण है। तो इसका गुण कौन सा है दोस्तों, इसका यही गुण है कि जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा देती है, उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखती है, जिसके लिए कोशिका झिल्ली इस्तेमाल किया जाता है। ये यूकैरियोटिक जीव कोशिकाओं का एक तरीके से कार्य है या उनका गुण है, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। आगे देखिए, कोशिकाओं के कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में भी कंप्लीट किया था। इसके बाद देखिए, केंद्रक के विषय में पढ़ा है। तो दोस्तों, जो केंद्रक के कोशिका के अंगक हैं, जो अभी हमने हेडिंग किया था कोशिका अंगक, उसमें देखिए कौन कौन से अंग होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइजोजोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, वन लाइनर क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में। ये कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अभी देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सामने निकल के आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अंतर्द्रव्य जालिका, तो अब देखते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिका होता क्या है। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों पुटिकाओं की तरह दिखाई देते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के जैसी ही होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल के आ गया कि अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब देखते हैं खुरदरी और चिकनी दोनों का काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राइबोसोम किस पे लगा होता है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, सूक्ष्मदर्शी द्रव्य जालिका, दोनों पे या इनमें से किसी पे भी नहीं, तो आपका आंसर होगा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और ये राइबोसोम का काम मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, प्रोटीन को संश्लेषित करती है, उपयोग के लायक बनाती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। तो यहाँ से हमें RER का और भी काम पता चलता है, ये तैयार प्रोटीन को आवश्यकता के अनुसार जहाँ ज़रूरत होती है कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। आगे देखिए, SER यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये क्या करती है, ये वसा तथा लिपिड जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ये वसा तथा लिपिड के अणुओं के बनाने में सहायता करती है। यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, देखिए, क्योंकि जब तक प्रोटीन नहीं होगा, वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायक नहीं, तब तक वसा
कोशिका झिल्ली बनेगी नहीं, क्योंकि कुछ प्रोटीन होते हैं जो और वसा होते हैं जो मिल करके कोशिका झिल्ली को बनाते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवत जनन कहते हैं। आगे देखिए, कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं, यानी कुछ अन्य प्रोटीन और वसा होते हैं जो कि एंजाइम और हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देता है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अंतर्द्रव्य जालिका होता है वो जालिका का की तरह एक तंत्र का निर्माण करता है, पूरा जालखंड का। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो अभी हमने देखा था कई सारे जो गॉल्जी उपकरण अंगक हैं, प्लाज्मा झिल्ली है, तारक केंद्र है, लाइजोजोम है, ये अंतर्द्रव्य चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका देखिए इस तरीके की दिखाई देती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और खुरदरी भी आप देख सकते हैं, ये केंद्रक है। तो इसके बारे में हम और आगे देखते हैं अच्छे से। इस प्रकार अंतर्द्रव्य जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रकों के बीच पदार्थ खास करके प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिकाओं के रूप में कार्य करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो परिवहन नहीं करता है, यानी कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है ये प्रोटीन जो पदार्थ होता है उस परिवहन के लिए नलिका के रूप में काम करता है। ठीक है, ये वो नली है जिसके थ्रू प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों तक पहुँचाया जाता है। आगे देखिए, अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिकी द्रव्य ढांचे के रूप का कार्य भी करती है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है केशरिकी भी कहते हैं, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे आगे अच्छे से, तो ये जो टॉपिक है ये हम उसी में कवर कर लेंगे अच्छे से। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसको देख के। दोस्तों आ गया हमारा गॉल्जी उपकरण, तो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है अंतर्द्रव्य जालिका जो कोशिका का अंग था, ये दूसरा अंग है जिसका नाम है गॉल्जी उपकरण। ये गॉल्जी उपकरण को सबसे पहले किन्होंने प्रकाशित किया था या किन्होंने दुनिया के सामने पेश किया था, उनका नाम था कैमिलो गॉल्जी। कैमिलो गॉल्जी द्वारा वर्णित गॉल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। तो दोस्तों कुंडिका किसे कहते हैं, गॉल्जी उपकरण जो होता है वो समांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर लिपटी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्ली से होता है, यानी गॉल्जी उपकरण जो है वो किससे संपर्क में रहता है, ER यानी अंतर्द्रव्य जालिका से। ये देखिए दोस्तों, ये पादप कोशिका का चित्र है, ये जो पिछले बार हमने देखा था वो जंतु कोशिका का था और ये पादप कोशिका का है। आगे देखिए, ER में संश्लेषित पदार्थ गॉल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। अभी हमने बताया था कि प्रोटीन तथा अन्य ज़रूरी भाग जो होता है ER अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर वो संचय करके उसे रखती है, बाद में वो क्या करती है, गॉल्जी उपकरण के साथ मिलके गॉल्जी उपकरण में पैक कर देती है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में गॉल्जी उपकरण शामिल रहता है। पुटिकाओं में पदार्थ क्या क्या होते हैं, जो पुटिकाओं में पदार्थ होते हैं उनका काम, उनको संचयन इकट्ठा किया जाता है, उनको रूपांतरित यानी कि ज़रूरी उपयोगी चीज़ों में चेंज किया जाता है तथा उसको बंद करके रखा जाता है। कुछ परिस्थिति में गॉल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनता है। गॉल्जी उपकरण के द्वारा लाइजोजोम भी बनाया जाता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, एक तो ये बन गया कि सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा यानी कि सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर किस में बनता है, कोशिका के अंदर, तो वो गॉल्जी उपकरण में बनता है। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाइजोजोम किस में बनता है, तो लाइजोजोम किस में बनता है, गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी उपकरण में। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाइजोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए अब हम लाइजोजोम को पढ़ते हैं। लाइजोजोम, ये लाइजोजोम क्या होता है, लाइजोजोम बनता कहाँ है, ये बनता है गॉल्जी उपकरण में। संरचनात्मक दृष्टि से लाइजोजोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। RER यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इन एंजाइमों को बनाते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम। अब आप समझ गए हैं कि पाचक एंजाइम का काम क्या होता है, पाचन करना, यानी कि किसी चीज़ को तोड़ के छोटा करना या ख़त्म करना, ये पाचक एंजाइम्स का काम होता है जो कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में बना होता है। लाइजोजोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। देखिए दोस्तों, जो लाइजोजोम होता है, जो कोशिका का अपशिष्ट मतलब बचा हुआ पदार्थ, जो खराब पदार्थ होता है उसको निपटाने का कार्य है। अभी हम देखेंगे निपटाने का कार्य का मतलब क्या होता है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं।
कोशिका के अंदर आने वाली बाह्य पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोजोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जो भी पदार्थ काम के नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, लाइसोजोम में चले जाते हैं, जो लाइसोजोम क्या करता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। कैसे, देखिए लाइसोजोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं। जैसे मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो प्रोटीन और वसा सबको तोड़ देता है या उनको उनका पाचन कर देता है, वैसे ही ठीक यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोजोम फट जाते हैं। लाइसोजोम एक पुटिका होती है, थैली होती है, इसके अंदर पाचक रस होता है। जब भी कभी कोशिका मर जाती है या ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे जो उपस्थित लाइसोजोम होते हैं वो फट जाते हैं और उससे एंजाइम निकलते हैं जो कोशिका को पचा देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए लाइसोजोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आंसर्स पढ़ते हैं तो आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा या सुना होगा कि आत्मघाती थैली कोशिका में किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लाइसोजोम। लाइसोजोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। दोस्तों ये कैमिलोगोल्जी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, ये कैमिलोगोल्जी हैं जिन्होंने गोल्जी उपकरण का की खोज की थी। उन्होंने गोल्जी उपकरण और उसके कार्यों के बारे में बताया था, तो आप इसे अगर पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्हें तंत्रिका तंत्र की संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों देखिए अगला टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या होता है, कोशिका का एक अंगक होता है। दोस्तों जैसे लाइसोजोम बहुत इंपॉर्टेंट था कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोजोम को, वो करती क्या थी, मरे हुए कोशिकाओं को ख़त्म कर देती थी। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर कहा जाता है। तो देखते हैं क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली छोटे छोटे छेद होते हैं, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित यानी मोड़दार होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। दोस्तों यानी एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, हम बोल सकते हैं कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसको कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं ज़रा एक बार आखिर ये एटीपी है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों एटीपी की फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसे याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये होता है आपका फुल फॉर्म एटीपी का, एडिनोसिन और ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि एटीपी। और दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनता है। ये क्या करता है, एटीपी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का काम यानी हमारे शरीर में या कोशिका में जो ऊर्जा जमा होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है वो एटीपी के फॉर्म में जमा होती है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसे याद करिएगा दोस्तों बार बार क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, ध्यान रखिएगा कोशिका की ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी नए नए यौगिक बनते हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, एटीपी से। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जो राइबोसोम है इसका काम होता है प्रोटीन को संश्लेषण करना। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग से डीएनए और राइबोसोम होता है और ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं प्लास्टिड। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये याद रखना है दोस्तों कि प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है प्लास्टिड। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दोस्तों क्रोमो CHOROMO, क्रोमो का मतलब कलर होता है, तो क्रोमोप्लास्ट से बनता है कलर यानी रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट से बनता है आपका श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड।
और देखिए जिस, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है, तो जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पौधे का कलर जो है वो ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से, और जहाँ पे क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, यानी क्लोरोप्लास्ट के जरिए ही प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके खाना बनाती हैं पौधे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं आपके कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि पौधों के लिए खाना बनाना है प्रकाश संश्लेषण के जरिए। ल्यूकोप्लास्ट से याद रखिएगा दोस्तों, कलरलेस होता है वो या वाइट होता है। आगे देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल का मतलब हो जाता है ग्रीन, जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ पे ग्रीन कलर होगा। ये पीले भी होते हैं और नारंगी भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट जो हो जाएगा आपका लिपिड प्लास्टिड। अब यहाँ पे देखिए, प्राथमिक रूप से ये अंगक हैं, इसके अंदर क्या क्या मिल जाएगा आपको, स्टार्च मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। दोस्तों ये स्ट्रोमा आने वाला है आपका, आगे पढ़ेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्ट्रोमा में क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट के भीतरी रचना में बहुत सारी झिल्ली होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं, ठीक है दोस्तों। और स्ट्रोमा आप देखेंगे ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, पत्तियों में होता है स्ट्रोमा। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अभी हमने पढ़ा था कि हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें, तो दोस्तों ये हमारा प्लास्टिड कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब आपका बहुत ही थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसे हम कंप्लीट करेंगे अगले थर्ड पार्ट में। और दोस्तों इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा जो आपके इस कोशिका यानी सेल चैप्टर से है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे, जो भी आपने पढ़ा है उसे ढंग से। वो हम अगले पार्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जहाँ पे आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर देने में इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वाले वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।